फिशिंग विलेज और यहाँ के फिशरमैन से इंस्पायर होके मैंने और मेरी टीम ने हमने प्लान किया कि हम भी ट्राई करते हैं, एक कोई अटेम्प्ट करते हैं ज़रा मछली पकड़ने की, बिकॉज ये जो एरिया है यहाँ की जो क्रीक है ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड फॉर फिश ब्रीडिंग एंड हर तरह की फिश जो है यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद है, सो वी वॉन्ट टू टेक पार्ट एज़ वेल। सो हमारी कोशिश होगी यहाँ पर मछली पकड़ने की। तो अभी जो जिन मछेरे से अभी हम मिले थे उनकी मदद से हमने ये समझ लें कि ये फ़िश फूड है, तो इसको हम कांटा लगाएंगे, कंडा लगाएंगे इसको और इसको पानी में डालेंगे और फिर देखते हैं इफ़ वी गेट लकी और नॉट। ले जी, सो ताहिर साहब जो हैं फ्रॉम माई टीम इज़ ऑलरेडी एट वर्क। और अच्छा जी ताहिर साहब, अच्छा आपने ऑलरेडी मछली जो है उसको तोड़ के आधी कर दी और उसके अंदर आपने ये कंडा डाल दिया, राइट? ठीक है, ओके। और फिश वायर, द फिशरमैन वाज काइंड इनफ, जो मछेरे साहब थे उन्होंने हमें अपनी एक फ़िश वायर और अपने जो कुछ औजार हैं वो हमें बोरो करने दिए, तो थैंक्स टू हिम। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या आता है सर? ओके, दूर फेंकूँ? ओके। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि वेट भी जो है फिश वायर के साथ लगाया हुआ है, ऑब्वियसली वेट का मकसद ये है कि जब आप इसको थ्रो करें तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, तो वेट के पीछे से नीचे भी जाए ना ही सिर्फ ज़्यादा दूर। ओके, पहली अटेम्प्ट ताहिर साहब, अंदाजन कितनी देर अब हमें इस तरह जो है वो? इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, आधा घंटा भी लग जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम इसको छोड़ के चले जाएं और वो भी हो सकता है कि हम इसको किसी तरह बांध दें यहाँ पे, बाद में आके निकाल लें। सो सिंस वी डोंट नो कि इस चीज़ को कितनी देर लग सकती है, तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि सेफली जो ये फिश वायर है इसको कहीं पर बांध दें, एंड अगर हम थोड़ी देर बाद भी आएँ तो अगर मछली प्रॉपर तरीके से उसमें फंस चुकी है तो हो सकता है कि वो इफ यू आर लकी इनफ तो वहीं पे फंसी रहे, एंड जब हम आएँ तो हम उसको तरीके से निकाल लें। लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स बिफोर वी लीव। सो फिश वायर हमने बॉटल के साथ अटैच करके जो है यहाँ पे फंसा दिए, एंड दिस लुक्स टाइट इनफ। यप, फॉर श्योर, फॉर श्योर, गुड गुड ताहिर साहब। आई थिंक कुछ इधर अगर मैं इन ऑलराइट, सो इस फिश वायर को यहां पर रेस्ट करने देते हैं। हमें बड़े हंगामी हालात में जो है अपना मैंग्रोव्स की एक्सप्लोरेशन जो है वो रोक के दराना पड़ा है, बिकॉज हम सक्सेसफुल हो गए हैं मछली को पकड़ने में। वाह 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 वाह। सो हम कामयाब हो गए हैं। ये हीरा जो अभी हमने आपको दिखाया, जो दूसरा मछेरा जो था उसने वो एक बड़ा वर्जन हीरे का जो है जिसको रेड स्नैपर भी कहा जाता है पकड़ा हुआ था, तो ये एक बेबी वर्जन है रेड स्नैपर का, फ्रेश आउट ऑफ रिवर। ओह, आप देख सकते हैं अंदाज, वो 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 वो, तो जिस तरह से मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ और वो तड़प रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी फ्रेश है। वाह, सक्सेसफुल कैच, एंड क्रेडिट गोज़ टू माई टीम ऑफ कोर्स। ये ताहिर साहब का इनिशिएटिव था और ज़बरदस्त ताहिर साहब, फाइनली। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता चलूँ एक बड़ी छोटी सी स्टोरी, मैं और मेरी टीम हम लोग जहाँ भी जाते हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि मछली मिल सकती है, तो वहाँ पर हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि यार कभी हम खुद से मछली पकड़ें। दिस इज़ इन ईयर्स दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी वर सक्सेसफुल इन कैचिंग ऑन आर ओन, मतलब जब हम प्रॉपर कोई फिशिंग कर रहे होते हैं वो तो करते हैं, बट कैजुअली ऑन आर ओन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने जो है वो मछली पकड़ी है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। वाओ, सो इसको अब हम सेव करेंगे, एंड
लगाएंगे। वो नेक्स्ट लगाएंगे और वाह खूबसूरती चेक करें इसके, सो ब्यूटीफुल सो फ्रेश। चेक आउट द फिन्स, आई थिंक दिस इज़ वाई इसको हीरा कहा जाता है, ये जो इसके फिन्स है ना वो शार्प, इट इज़ शार्प। वाओ ब्यूटीफुल। सो ये हंगामी हालात में हमारे जो मैंग्रोव एक्सप्लोरेशन है उसको हमें इंटरप्ट करना पड़ा एंड वील गो बैक इन एंड एक्सप्लोर सम मोर मैंग्रोव्स, बट मीनवाइल हम आई थिंक इट इज़ आर लकी डे, तो हम कोशिश करेंगे कुछ और हम मछलियाँ जो हैं कुछ और जो है हम कांटे डालें मछलियों के लिए और कोशिश करेंगे और मछलियाँ पकड़ें। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव्स की एक्सप्लोरेशन की, नेचुरल ब्यूटी की और टूरिज्म की, तो उसके साथ साथ एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है जिसके बारे में हम पहले भी ख़ास आप लोगों को बता चुके हैं, और वो यही है कि इको कल्चरल टूरिज्म, मतलब हमने जो गंद है वो नहीं फैलाना है, इट इज़ एज सिंपल एज इट गेट्स। और ये एक छोटा सा एफर्ट है जो आप कर सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ कैरी अ बैग। अब आपको बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको बायोडिग्रेडेबल बैग भी ना मिले तो प्लास्टिक बैग या अपना कोई बैकपैक जो है वो कैरी कर लें, और उसके अंदर अपना जो सामान है, कोई आप ड्रिंक पी रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, एनीथिंग दैट यू ईट, वो आप उसके अंदर रख के तो बाद में अपनी डस्टबिन में या वेस्ट कर सकते हैं घर जाके, यू डोंट नीड टू लिटर आउट इन द ओपन। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ में जहाँ इतनी खूबसूरती है और साउथ में भी जो बड़ी यूनिक किस्म की ब्यूटी है, जहाँ पर भी मैं गया हूँ कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे बड़ा दिल दुखता है और ऐसे लगता है कि कुछ पाकिस्तानी हम में से हैं जो कि इतनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ख़ास जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ भी हैं वो इस चीज़ पे ख्याल रखती हैं और इको कल्चरल टूरिज़म को जो है प्रमोट भी करती हैं, उस पर अमल भी कर रही हैं, तो खुशी होती है, बट ऐसी जगहों पर काफ़ी दुख होता है। और उम्मीद है कि मेरे इस एक्ट से शायद अवेयरनेस क्रिएट हो और इस मदद से जो है वो लोग, मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं बहनें हैं, वो ये गंद नहीं मचाएंगे और इस चीज़ पे ख़ास अमल करेंगे। दिस इज ऑल इट टेक्स। ये देखें कोई दूध के डब्बे, सैड बट एनीवे, तो ये छोटे से स्टेप्स हैं जिससे आप सफाई का ख्याल रख सकते हैं और लोकल टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो खूबसूरती है और अपने लिए भी यहाँ की जो खूबसूरती है उसको बढ़ा सकते हैं। एनीवे दैट बीइंग सेड, आई थिंक अब वक्त होता जा रहा है कि जो हमारी आज की कैच थी, मछली थी, उसको पकड़ा जाए, उसको संभालें और हम यहाँ से जो है ड्यू टू सम अर्जेंट रीजंस, और वो अर्जेंट रीजंस ये हैं कि जो पानी का जो फ्लो है वो अभी जैसे जैसे सूरज ढलेगा तो ज़रा वो पानी लो लेवल पे चला जाएगा, जब लो लेवल पे चला जाएगा तो हमारे लिए इस वक्त जो अपनी बोट राइड है वो बैक टू कौन सा विलेज था, दाम, तो हमारी बोट राइड जो है बैक टू दाम विलेज वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है शायद हमें रात गुजारनी पड़ जाए आउट इन दी ओपन, जो कि बहुत ही डेंजरस है। सो राइट नाउ वी गोना हॉप बैक ऑन आवर बोट एंड मूव बैक, एंड हमारा जो लवली डिनर है आज का वो तो रेडी है। वी आर रियली प्राउड एंड एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ माई टीम, वी वर एबल टू गेट दिस कैच एंड हम इसको इन्जॉय करेंगे और उम्मीद है आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इसकी खूबसूरती को। बाकी कुछ गपशप आपसे करेंगे वापसी पे, सो लेट्स गो।